नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टीजेट। साध्वी महंत यतीनानंद ने 3 दिसंबर को हिंसा में मारे गए इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की संपत्ति की जांच की मांग की। इंस्पेक्टर पर लगाए गंभीर आरोप। स्याना हिंसा में मारे गए छात्र सुमित के परिजनों को न्याय के लिए 16 दिसंबर से बुलंदशहर के काला आम चौराहे पर आमरण अनशन पर बैठेंगे बाबा नरसिंहानंद सरस्वती। पुलिस पर आरोप लगाते हुए गाजियाबाद के दासना देवी मंदिर के महंत यतीनानंद ने कहा कि चिंगरावट्टी और महाप में महिलाओं के साथ जातियां हुई हैं, उनका विरोध करेंगे। साध्वी ने यही नहीं कहा, उन्होंने कहा कि अगर ये दमन चक्र जल्द नहीं रोका गया तो महंत आमरण अनशन करके अपना करेंगे प्राणदान। आज एक बार फिर इंस्पेक्टर सुबोध कुमार के नाम की जिले में चर्चा हुई है। गाजियाबाद के दासना देवी शक्तिपीठ की साध्वी महंत यतीनानंद सरस्वती ने हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों के प्रतिनिधियों के साथ आज 3 दिसंबर को स्याना कोतवाली के चिंगरावटी गांव में हुई हिंसा में मारे गए नौजवान सुमित की मौत का दुख जताते हुए सुमित के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मीडिया के सामने स्याना कोतवाली के प्रभारी रहे इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की आलोचना करते हुए कहा कि 16 दिसंबर से अखिल भारतीय संत परिषद के संयोजक स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती अनशन करने वाले हैं। यह जानकारी गाजियाबाद से आई महंत यतीनानंद सरस्वती ने दी। यतीनानंद सरस्वती आज 3 दिसंबर में हुई हिंसा के दौरान मारे गए नवयुवक सुमित के परिजनों से मिलने स्याना कोतवाली क्षेत्र के गाँव चिंगरावटी पहुंची। इस दौरान उन्होंने कहा कि सुमित की हत्या हुई है और उस पर FIR लिखी गई है। उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि उनकी मांग है कि फिलहाल उस केस को खत्म किया जाए। उन्होंने कहा कि गांव में महिलाओं के साथ पुलिस द्वारा बदतमीजी व सलूकी की घटनाएं हो रही हैं। महिला महंत ने मृतक स्याना कोतवाली के इंस्पेक्टर सुबोध पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि फिलहाल गांव के लोगों में दहशत बनी हुई है, कोई भी आम किसान का काम नहीं हो पा रहा है, लोगों में भय का माहौल है, कोई भी प्रशासन के डर से घरों में नहीं रह रहा है। तो वहीं उन्होंने मीडिया के जरिए 3 तारीख को मारे गए स्याना इंस्पेक्टर पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। मीडिया से मुताबिक होते हुए महिला महंत यतीनानंद सरस्वती ने कहा कि स्याना के पूर्व में रहे इंस्पेक्टर की संपत्ति की जांच की जानी चाहिए। उन्होंने 3 तारीख को हुए बवाल में मारे गए इंस्पेक्टर सुबोध कुमार पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला महंत ने कहा कि इंस्पेक्टर सुबोध की जहां जहां भी तैनाती रही वहीं गौकसी की घटनाएं लगातार बढ़नी शुरू हो जाती थी। इस दौरान उनके साथ और भी कई हिंदूवादी संगठनों के लोग मौजूद थे। के अगेंस्ट आप FIR लॉन्च करते हैं, कानून का बहुत बड़ा मजाक है न्याय व्यवस्था का, कि जो जिसकी हत्या कर दी गई उस बच्चे के ऊपर ही आप मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। तो एक तो मांग ये है कि वो नाम हटाया जाना चाहिए, मानवता के सारे नियमों को प्रशासन ना तोड़े, ये हमारी मांग है। दूसरा, जिस तरीके से यहाँ दमनात्मक कार्रवाई प्रशासन ने प्रारंभ की है, महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, महिलाओं को मार पीट रहे हैं, इसका अधिकार किसी भी कानूनी व्यवस्था को नहीं दिया गया, ये मानव अधिकार के विरुद्ध है। तो हमारी मांग ये है कि या तो ये दमनात्मक कार्रवाई को रोक दें, अन्यथा 16 दिसंबर से यहाँ काले आम बुलंदशहर पर मेरे अपने गुरुजी जो अखिल भारतीय संत परिषद के राष्ट्रीय संयोजक हैं यती नरसिंहानंद सरस्वती जी, वो आमरण अनशन पर बैठेंगे। और इसके बाद अगर अब तब भी पुलिस नहीं मानती है तो फिर हम लोग पंचायत का व्यवस्था करेंगे। यहाँ बच्ची और महिलाएं रह गई हैं और जिस तरीके से यहाँ प्रशासन लगातार इनको प्रताड़ित कर रहा है, महिलाओं को जिस तरीके से मारा पीटा जा रहा है, घर का सामान तोड़ा जा रहा है, ये किसी भी आज तक के इतिहास में प्रशासन का इतना गंदा और इतना शर्मनाक रवैया देखने को नहीं मिला है। और सुबोध की आप जाँच करा लीजिए, हमारी मांग है कि सुबोध की जांच होनी चाहिए, कि सुबोध जहां जहां पोस्टेड रहा वहां वहां ये क्राइम बढ़ा गोलकशी का,
तो ऐसा क्या कारण था कि जिस भी थाने में वो पोस्टेड रहा उसी थाने में गोकशी बढ़ी? इसकी जांच होनी चाहिए, उसकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। कैसे यहाँ प्रशासन लगातार इनको प्रताड़ित कर रहा है, महिलाओं को जिस तरीके से मारा पीटा जा रहा है, घर का सामान तोड़ा जा रहा है, ये किसी भी आज तक के इतिहास में प्रशासन का इतना गंदा और इतना शर्मनाक रवैया देखने को नहीं मिला है। और सुबोध की आप जांच करा लीजिए, हमारी मांग है कि सुबोध की जांच होनी चाहिए कि सुबोध जहां जहां पोस्टेड रहा वहां वहां ये क्राइम बढ़ा गोकशी का। तो ऐसा क्या कारण था कि जिस भी थाने में वो पोस्टेड रहा उसी थाने में गोकशी बढ़ी? इसकी जांच होनी चाहिए, उसकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। मैं जी, आप ये सुमित की मौत कैसे हुई, क्या आपने सुना या क्या पता लगा? बहुत स्पष्ट है, सुमित को सुबोध ने गोली मारी। इसका अगर इसकी निष्पक्ष अगर आप लोग जांच करा लें, अगर शासन सत्ताओं में बैठे हुए लोग इसकी निष्पक्ष जांच कराएंगे तो सुबोध ही एकमात्र कल्प्रिट है। और सुबोध ने अपने को डिफेंस करने के लिए अपने ऊपर अवैध हथियार से गोली चलाई ताकि वो अपने आप को डिफेंड कर सके। वो तो काल बन के गोली उसको लग गई, लेकिन वो अपनी स्वयं की गोली से मारा गया, अपने